हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल भिंडी की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मूंग दाल और भिंडी। सबसे पहले हम भिंडी लेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम भिंडी लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसका ऊपर का कॉर्नर का पार्ट कट करके बीच में हम इसे इस तरह से गैप कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पे लेंगे 1 कप मूंग की दाल। इसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत ही कम मसाले हम यूज़ करें, जिसमें हमने लिया है थोड़ा सा जीरा, ये देखिए। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है होममेड उड़द दाल की बरी। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन कटे हुए। सबसे पहले एक पैन में हम मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और सारे भिंडी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इसको क्रिस्पीनेस देने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। गाइस, आप इस तरह से भिंडी फ्राई करिए, बहुत ही डिलीशियस होती है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगेगी, बहुत ही क्रंची लगेगी और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है कुछ देर तक। जब भिंडी का कलर इस तरह से हो जाए तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुई है भिंडी। अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप अपने पसंद के रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे जीरा, बारीक कटे हुए अदरक लहसुन और हमारे होममेड उड़द दाल की बरी, जो हमारी सब्जी को बहुत ही डिलीशियस बनाती है। ये देखिए, हल्का सा ये भून जाए, जस्ट हल्का सा क्रैकल करना है हमें इसे। और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए मीडियम 1 प्याज। आप चाहे तो 2 प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए, हमें इस तरह से कट करना है अनियन को। और हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करेंगे। और वॉश किए हुए मूंग दाल को हम इसमें डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। गाइस, इस तरह से मूंग दाल भिंडी आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही डिलीशियस लगती है। ये देखिए, कुछ देर तक भूनने के बाद मूंग दाल का कलर इस तरह का हो जाएगा और प्याज भी हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। और इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर हम पहले डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से। हमें इसी तरह से मिक्स करते हुए कुछ देर भूनना है। 30 से 40 सेकंड तक हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भरकर पानी, जिससे दाल अच्छे से गल जाए। आप चाहे तो भींगी हुई दाल भी यूज़ कर सकते थे, बट हम रॉ दाल यहाँ पर यूज़ करें, इसे हमने भिगो कर नहीं रखा था। इंस्टेंट हम बना रहे हैं, अगर आप दाल को भिगो कर रखते तो आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे और इसे हम लीड लगाकर कुछ देर तक कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक हमारी दाल अच्छे से गल ना जाए। कुछ देर हो चुके हैं गाइस, ये देखिए, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे दाल गली है कि नहीं। और आप देख सकते हैं सारे स्पाइसेस बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें और बहुत ही डिलीशियस स्मेल आ रही है इसमें से। हम इसे हल्का हल्का मैश करते रहेंगे ताकि हम चेक कर सकें मूँग दाल अच्छे से गला है या नहीं। ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा कड़ा है मूंग दाल, इसलिए हम वापस से इसे लीड लगा देंगे। आप देखिए, पानी ये पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे और वापस से हम इसे लीड लगाकर कुछ देर तक कुक होने देंगे। तो जब तक हमारी दाल गल रही है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून चुके हैं क्योंकि ऑयल सारा ऊपर आ गया है और दाल भी बहुत ही परफेक्टली कुक हो गया है। ये देखिए, मैं मैश करके आपको दिखा दे रही हूँ, दाल बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी फ्राइड भिंडी। गाइस, हमने भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया था और ये पहले ही आधी गल चुकी है, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इसलिए हम इसे लास्ट में ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, हमने सारी भिंडी को अच्छे से डाल दिया है। हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे क्योंकि भिंडी भी पानी एब्जॉर्ब करता है। और इसे कुछ देर तक लीड लगाकर कुक होने देंगे, जस्ट 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। ये देखिए, भिंडी भी एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए गाइस, हमारी मूंग दाल भिंडी परफेक्टली बनकर रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए पराठे, पूरी या रोटियों के साथ।
आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपीज़ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।